और आसिफ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं नोएडा में, जो लोग वहां पर लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे कि क्या क्यों इस तरह की बयानबाजी कर इस तरह का माहौल देश में पैदा आखिरकार क्यों किया जा रहा, और इस माहौल पर आखिरकार राजनीति तेज क्यों हो गई है। इस सब बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम दलों के नेता मौजूद हैं। AK शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। चलिए मैं आऊंगा। AK मिश्रा जी, राजनीतिक दल इस तरह का बयान क्यों देते हैं? क्या सिर्फ वोट पाने के लिए सारी कुछ होता है कि बांटो और वोट पाओ? क्या जो अंग्रेजों ने फॉर्मूला अपनाया, क्या वो खत्म होने का नाम नहीं ले? नहीं, देखिए पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में अगर मैं देखूं तो मैं बोलूं कि ये जो बयानबाजी है या बयान है, ये एक ऐसी लकड़ी है जिसको राजनीतिक दल अपने चूल्हे में लगा के उसकी आग लगाते हैं, उसकी आग जलाते हैं और राजनीतिक रोटी और वोट बैंक की जो है रोटी सेकते हैं। अगर मैं कैटेगराइजेशन करूं अपने सभी भाइयों का तो ठीक है, अच्छे बुरे हो सकते हैं लेकिन सब बुरे की कैटेगरी में ही आएंगे। हर पार्टी ने हर टाइम पे जो है ऐसे बयान दिए हैं जो अशोभनीय है और अपने समाज के लिए, एक सभ्य समाज के लिए, भारत भूमि अपने आप में एक ऐसी वैचारिक धरती है। देखिए बयान की आप जरा हिस्ट्री देखिए, मानव की सभ्यता के टाइम से ही बयानबाजी होती रही है। भारत तो इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पे पॉजिटिव बयानबाजी होती रही है। आप किसी को भी लीजिए, विवेकानंद को लीजिए, उन्होंने भी केवल अपने बयानों से, अपने भाषणों से पूरे देश को बदल दिया। गौतम बुद्ध ने सवाल फिर इस बात को लेकर है कि राजनीतिक दल इस देश को लेकर कहाँ जा रहे हैं? अगर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, आज विकास की बात नहीं कर रहे हैं, आज लोगों को दिक्कतें हो रही, बुनियादी चीजों को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, आज इस तरह के बयान देकर आप देख रहे, आप ये भुआड़पन, निकम्मापन ये दर्शा रहे हैं। नहीं, ये क्लियर कट मैसेज है कि कैसे भी करके बाई हुक और बाई क्रुक हमें अपनी जो है रोटी को सेकना है, हमें अपनी सरकार को बचाना है। ये एक विडंबना है कि सरकार बनने के बाद सबसे बड़ी जो है फजीहत होती है या सरकार की जो एनर्जी लगती है सरकार को बचाने में। अब थ्रिलिंग, इस तरह के जो बयान होते हैं वो थ्रिलिंग होते हैं। ये दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी। देखिए कई ग्रुप हैं, कई पार्टियां हैं, किसी की आइडियोलॉजी कुछ है, किसी की आइडियोलॉजी समाजवाद की है, किसी की हिंदुत्व की है, किसी की कुछ है, तो ये क्लैश ऑफ आइडियोलॉजी है और इतनी बुरी तरीके से ये लोग क्लैश करेंगे, ये इतनी बुरी तरीके से क्लैश करना ये अशोभनीय है। आप अच्छे तरीके से क्लैश करिए, बुरे बयान मत दीजिए, समाज को बांटने का बयान मत दीजिए और किसी भी ऐसे हम बात बयानबाजी को लेकर कर रहे हैं और देश की राजनीति देखिए, देश की राजनीति के लोग कर रहे हैं। हम लोग कहां पर हैं? वहीं घूम रहे हैं, जाति और धर्म के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, शमशान कब्रस्तान की बात कर रहे हैं, हम दूसरे देशों का जिक्र करते हैं चुनाव के वक्त में, और कहां ये राजनीति जा रही है? और क्या सस्ती एक चुनाव प्रचार का तरीका एक ये बना लिया है? नहीं देखिए, अगर इस हिसाब से देखेंगे तो मैं तो बोलूंगा कि जो पाषाण युगीन मानव था शायद सभ्यता के उस स्तर पे हम लोग पहुंच गए हैं। और मैं सारी पार्टियों के नेताओं को बोलता हूं, सब कुछ लाइव है, सब लोगों ने इस तरह के उल्टे सीधे बयान दिए हैं। सवाल ये है कि क्या इनके पास इतना ज्यादा वैचारिक अकाल पड़ जाता है कि चुनाव जीतने के लिए उनको ऐसे सस्ते बयानों की और गंदे बयानों का सपोर्ट या सहारा लेना पड़ता है? आप बड़े बड़े नेताओं से पूछिए कि आप लोग ऐसे बयान क्यों देते हैं, क्या आपके पास कोई विचारधारा नहीं रह गई है? जो अच्छा, अब शुरुआत आप एक अच्छी विचारधारा से करेंगे, शुरुआत आप देश के ग्रोथ से करेंगे, सबको साथ लेके करेंगे, और 10 मिनट के बाद या 10 दिन के बाद वो सारे के सारी चीजें आपकी खत्म हो जाती हैं और सारे लोग ऐसी लड़ाइयों में उलझ जाते हैं कि छोटे छोटे एकदम गिरे हुए स्तर का आप लोग बयान देने लगते हैं। आप यूपी में पास्ट में देखिए, ऐसे ऐसे कांड या ऐसे ऐसे एक्टिविटी आप लोग करने लगते हैं जो कि इंसानियत के नाम पे एक शर्म होता है, एक धब्बा होता है। बात करता हूँ, जनता को खुद समझना चाहिए, ये राजनेताओं के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अपने लेवल पे ही जनता ऐसे लोगों को रोके संसद में जाने से, तभी ये इस देश का कल्याण हो पाए। जनता को समझना चाहिए। AK मिश्रा जी, आप राजनीतिक सलाहकार हैं, आप लगातार ये बात कहते रहे कि उपचुनावों में लोकल फैक्टर फर्क डालते हैं, क्या यही बात योगी जी भी कह रहे हैं? अच्छा AK मिश्रा साहब, इन दावों में दम कितना है? स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक AK मिश्रा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और AK मिश्रा जी लगातार हमारा ज्ञानवर्धन कर रहे हैं और उन समीकरणों पर हम बात कर रहे हैं जिसकी बुनियाद पर इस जीत को रचा गया है। AK मिश्रा जी, तो वहीं ज्यादा चर्चा के लिए यहाँ पर राजनीतिक सलाहकार AK मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। AK मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे, और हमारे साथ हमारे राजनीतिक सलाहकार SK मिश्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में AK मिश्रा जी, हमारे राजनीतिक सलाहकार लगातार बने हुए हैं। AK मिश्रा जी, क्या लगता है, अगर AK मिश्रा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं,
जी एके मिश्रा जी, यहाँ आप बता रहे थे कि अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होती तो रिजल्ट कुछ और होता। अपनी बात एके मिश्रा हमारे राजनीतिक सलाहकार लगातार हमारे साथ बने हुए नोएडा स्टूडियो में। ऐसे में हमारे साथ एके मिश्रा भी लगातार बने हुए हैं। एके मिश्रा जी, यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से